गाइज आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे कुछ इस तरीके से फोटो को एडिटिंग करना लाइटरूम ऐप का यूज करके। गाइज लाइटरूम ऐप का यूज करके बहुत ही आसान तरीके में आप अपने फोटो को कुछ इस तरीके से एडिटिंग कर सकते हो। लाइटरूम से एडिटिंग करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है गाइज, बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो फोटो कितनी मस्त एडिट हुई है। एंड गाइज यहाँ फुल HD क्वालिटी में एडिट हुई है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं फेस को जो फुल HD क्वालिटी में एडिट हुई है। तो आपको भी सीखना है ना कुछ इस तरीके से फोटो को एडिटिंग करना ओनली लाइटरूम ऐप का यूज करके, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। वीडियो के एंड में पक्का आप अपने फोटो को कुछ इस तरीके से जो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। हाँ, तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये नॉर्मल फोटो है, तो सबसे पहले अपने गैलरी से नॉर्मल फोटो को सिलेक्ट करके उसको आप लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड कर लेना है यहाँ से। ठीक है, ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद ऊपर से आपको स्क्रॉल करना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको नीचे एक लाइटरूम एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन शो करेगा, उस पर आपको एक बार टैप करना है और टैप करते हैं सीधा लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑल फोटो पे क्लिक कर देना है। ऑल फोटो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फोटो जो ऐड हो गई है, तो अपने फोटो पे क्लिक करके जो है ओपन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एडिटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ऑटो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ऑटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको हाईलाइट को डिक्रीज कर लेना है, हाईलाइट को डिक्रीज करके यहाँ से आपको 49 कर लेंगे हाईलाइट को डिक्रीज करके। उसके बाद यहाँ से आपको कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। ठीक है, कलर वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको कॉर्नर में एक मिक्स टूल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मिक्स टूल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। मिक्स टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लास्ट में जो पिंक कलर है इसको आपको सेलेक्ट करके इसका सैचुरेशन को पूरा डिक्रीज करके -100 कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट कलर सेलेक्ट करना है, इसका भी सैचुरेशन को पूरा डिक्रीज करके -100, फिर से आपको ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से इसका भी सैचुरेशन को डिक्रीज करके -100 कर लेंगे। अब आपको एक्वा कलर सेलेक्ट करके इसका भी सैचुरेशन को पूरा डिक्रीज करके -100, नेक्स्ट ये ग्रीन कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसका भी सैचुरेशन को पूरा डिक्रीज करके -100 कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको लुमिनस को डिक्रीज कर लेना है, लुमिनस को डिक्रीज करके -11 रखना है। उसके बाद यहाँ से आपको येलो कलर सेलेक्ट कर लेना है, येलो कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको इसका भी सैचुरेशन को पूरा डिक्रीज कर लेना है, और लुमिनस को यहाँ से आपको डिक्रीज कर लेना, लुमिनस को डिक्रीज करके -15 रखेंगे। उसके बाद यहाँ से अब आपको जो है ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेना है, ऑरेंज कलर जो होती है स्किन की कलर होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो है स्किन को व्हाइट कर सकते हो, तो सैचुरेशन को यहाँ से आपको डिक्रीज कर लेना है, डिक्रीज करके -31, और लुमिनस को इंक्रीज कर लेना है, इंक्रीज करके यहाँ से आपको 21 कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको रेड कलर सेलेक्ट करना है, ये जो है लिप की कलर होती है। ठीक है, तो इसका सैचुरेशन को यहाँ से आपको इंक्रीज कर लेना है, इंक्रीज कर 35 कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको डाउन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर लेना है। नेक्स्ट आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से ऊपर आपको टेक्सचर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको आपको पूरा डिक्रीज कर लेना है कुछ इस तरीके से, और -19 कर लेना है 90, और यहाँ से आपको क्लियरिटी को इंक्रीज कर लेना है +8, और DS को भी इंक्रीज कर लेना है, और विग्नेट को यहाँ से आपको डिक्रीज कर लेना है, डिक्रीज करके यहाँ से 50 के आसपास आपको रखना है, और मिड पॉइंट को भी यहाँ से आपको डिक्रीज कर लेना है 30 कर लेना है, और फेदर को यहाँ से आपको इंक्रीज करके 81 कर लेंगे, राउंडनेस को इंक्रीज करके यहाँ से आपको 66 कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर लेना है। फिर से आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको एक शेडोज का ऑप्शन मिल जाएगा, शेडोज यहाँ पे मिड टोन्स और यहाँ पे हाईलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे शेडोज आपको सबसे पहले शेडोज सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आपको बीच से खींच कर जो ब्लू की तरफ कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है, और फिर से आपको मिड टोन सेलेक्ट करना है, इसको भी खींच कर कुछ इस तरीके से और ब्लू की तरफ आपको कर लेना है। ठीक है, और फिर से आपको जो है हाईलाइट्स मिलेगा, तो इसको भी खींच कर आपको ब्लू की तरफ इस तरीके से कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे फोटो के अंदर जो है ब्लू सा टोन आ गया है थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको लाइट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और ऊपर यहाँ पे आपको कर्व्स का एक ऑप्शन मिलेगा, तो कर्व्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो ब्लू कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको बीच से थोड़ा सा आपको ऊपर कर देना है, एकदम थोड़ा सा मतलब आपको ऊपर करना है कुछ इस तरीके से, और उतना करने के बाद यहाँ से आपको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं बीच से, और इतना करने के बाद यहाँ से आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। अब यहाँ पे फोटो को देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर फोटो कितनी मस्त लग रही है। तो उसके बाद यहाँ से आपको ऊपर आ जाना है मास्किंग वाले ऑप्शन पे, मास्किंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको प्लस वाला एक आइकॉन मिल जाएगा, तो उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक कलर रेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
कलर रेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक सर्कल दिखेगा, तो सर्कल को आपको बैकग्राउंड पे अप्लाई करना है, जहाँ पे आप जो कलर रखना चाहते हैं ना वहाँ पे आपको इसको अप्लाई करना है कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको रख लेना है बैकग्राउंड के ऊपर, और यहाँ से रिफाइन की वैल्यू जो है आपको कम कर लेना है, ठीक है, रिफाइन की वैल्यू यहाँ से कम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे नीचे आ जाना है, और जो कलर यहाँ से आप रखना चाहते हैं उसकी तरफ आपको लेकर इसको चले जाना है, ठीक है। यहाँ से आपको ब्लू, मैं यहाँ से ब्लू कर लेता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ से देख सकते हैं ब्लू सा हमारा फोटो जो टोन आ चुका है ब्लू सा। तो उसके बाद यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके राइट कर देना है। देन गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो अप, देन बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर फोटो अप कितनी मस्त लग रही है, ठीक है। इस फोटो को HD क्वालिटी में सेव करने के लिए सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, या सेव टू डिवाइस वाले एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे ओके का एक ऑप्शन आएगा, जब ओके पर क्लिक करते हैं हमारी फोटो जो है गैलरी में सेव हो जाएगी। चलिए हम फोटो को गैलरी में सेव कर लेते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, तब तक के लिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।